सरकार ने जो वादे किए थे जो है, कहाँ पे प्रदर्शन? नहीं ऐसा तो कहीं मुझे नहीं है, कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं। प्राथमिक विद्यालय का अभी तो आज तक के भारत के इतिहास में किसी से आप आंकड़ा निकलवा के देखिएगा कि शिक्षक की क्षेत्र भारत के इतिहास में 1.5 लाख हुई हो किसी भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सहित भारत के किसी प्रदेश में नहीं हुई। तो इतना बड़ा हमने काम किया है। कुछ लोग होते हैं जिनके अपने परेशानियाँ होती हैं, उन परेशानियों को हम लोग दूर भी करते हैं। नहीं देखिए, हम लोगों ने गाइडलाइन जारी करी है और उसका अच्छा सा पालन हो स्कूलों में, इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकासोन्मुख काम कर रही है। जब हम सरकार में आए थे तो 17.4% की बेरोजगारी दर थी, आज जब 4.5 से ऊपर 4.75 साल हो गया है तो आज 4.1% की बेरोजगारी की दर है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, या कृषि और किसान के संदर्भ में हो, प्रत्येक क्षेत्रों में हमने परिवर्तन लाए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में हमने विकास के काम किए हैं। जगह जगह पर जिस प्रकार से हमारी जन विश्वास यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि मैंने लगभग 70% उत्तर प्रदेश के जिलों का मुझे जाने का अवसर मिला है, और जिस प्रकार से जनता का विश्वास भीड़ के रूप में परिवर्तित होकर आया है अभूतपूर्व है। पिछले चुनावों में भी मैं परिवर्तन यात्रा उस समय निकली थी, मैं काफ़ी शामिल रहा था, लेकिन इस बार उससे कहीं ज़्यादा उत्साह लोगों में दिखाई पड़ रहा है। और ये एक सकारात्मक पहल है कि जिस प्रकार से सरकार ने 4.75 साल काम किए हैं और विपक्ष जिस प्रकार से निरुत्साहित तरीके से एक घर में बैठने का काम जो किया है, वो जनता अब उस फर्क को समझ गई है। और मैं समझता हूँ कि पिछले जो चुनाव था परिणाम, उस चुनाव परिणाम के पिछला रिकॉर्ड जो था उसको बीजेपी स्वयं तोड़ेगी। अच्छा, जनविश्वास यात्रा कितना असर पड़ेगा? नहीं, जनविश्वास यात्रा का तो असर ही है, और जनविश्वास यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का असर है जो जनता सहज भाव में स्वीकार करके घरों से निकल रही है। इंतजाम होता है 15,000 का, भीड़ आती है 25,000, 25,000 का इंतजाम होता है, भीड़ आती है 50,000, कहीं कहीं तो अब मैदान छोटे पड़ने लगे हैं। ये एक मैं समझता हूँ अभूतपूर्व दृश्य है प्रदेश में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।